हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों का ये दौर चल रहा है, उस संदर्भ में बहुत हैरानी का विषय ये है, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार में जो हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ये हालात चुनाव लड़ने लायक नहीं है, केवल सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, न जीता जा सकता है, काम नहीं हुए हैं, लोग नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के नेता नाराज हैं, और ऐलान करते हैं कि हम मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके विपरीत आज मुझे मालूम पड़ा है, शायद 3 बजे इनकी कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिसमें मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा दोनों उस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाली है। मुझे विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि अब फिर से उनको मना लिया गया है, और ये दौर पिछले 15 महीने से बदस्तूर चला हुआ है, रूठने का, मनाने का। और बड़ी दिलचस्प बातें जब अंदर से निकलती हैं तो बहुत बहुत हैरानी भी होती है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता फोन कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता भी जिन लोगों ने खोई है, उसके साथ तो इंडिपेंडेंट विधायक भी साथ में हैं, उनको 3 लोग ऐसे हैं जो फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लोकसभा के चुनाव के पश्चात तुरंत बदलने का निर्णय हो गया है पार्टी हाईकमान द्वारा। एक कहता है कि आप सब वापिस आ जाओ, हम पुनः बहाल कर देंगे आपको, और बहाल नहीं करेंगे तो आपको मंत्रिमंडल में हम शामिल कर देंगे, कई तरह के प्रलोभन दे करके, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो विधायक वो हैं जो कांग्रेस पार्टी से निकाले गए, निकालने के साथ विधानसभा की जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है एक निर्णय के अनुसार। और ये कह रहे हैं कि, एक कह रहा है कि मेरी संभावना बन रही है इसलिए आप वापस आ जाओ, और थोड़े वक्त के बाद दूसरे का फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि सुक्खू को हटाने का निर्णय हो गया है चुनाव के बाद, और ऐसी परिस्थिति में आप इधर उधर मत जाइए, आप वापस आ जाइए। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हम कांग्रेस पार्टी से ही आपको टिकट देने का इंतजाम कर देंगे। और तीसरा एक और फोन करते हैं, 3 लोग इस वक्त, 3 नेता कांग्रेस पार्टी के, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन है वो। मुझे लगता है कि आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपने आप इन सारी चीजों को लेकर के। एक बहुत हास्यास्पद स्थिति बनी है जो हमारे साथी हमको सूचनाएं दे रहे हैं कि 3 लोग कांग्रेस पार्टी के, और जिनमें ये भी मैं थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़कर के कहूं, 3 इस वक्त वो मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश सरकार। और दूसरी बात, सब लोग इस तरह की परिस्थिति में से इस दौर को, जो लोकसभा का चुनाव का, इसको निकालना चाह रहे हैं और उसके पश्चात अपनी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए योजनाएं बना रही है। वो उनका अंदर का विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो सांसद है मंडी से, ऐलान कर चुकी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि उनको मना करके ये कहा जाएगा कि अब उनने हमारी बात को मान लिया है और चुनाव लड़ने का मन बना लिया है।
और एक वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बार्गेनिंग का क्या सिस्टम चल रहा है, इस बात को लेकर के मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं। दूसरी बात मित्रों, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा दौर कभी देखने को नहीं मिला। 5 साल में भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश पे रहा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में हमने पहले दिन एक कमिटमेंट की, हॉनेस्ट कमिटमेंट की, और 5 साल तक उस कमिटमेंट को निभाया कि प्रतिशोध की भावना के साथ, राजनीतिक द्वेष के साथ हम काम नहीं करेंगे। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहां प्रतिशोध की भावना यहां तक पहुंच गई, कईयों के घर को उखाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। ये नोटिस जो शिमला नगर निगम की ओर से दिया गया है इंद्रदत्त लखनपाल जी को, उनको कहा कल तक, यानी कि हिमाचल में भी वो परिस्थिति जैसे कि इन लोगों ने ऐसा कोई क्राइम किया है, ऐसा कोई गलत काम किया है, उनके घर को तोड़ने के लिए नोटिस जारी हो चुका है। एक विधायक लाहौल स्पीति के हमारे, उनके घर के लिए जो रास्ता कई वर्षों से चलता है, जिसमें आते हैं जाते हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई। और उसी प्रकार से हमारे एक इंडिपेंडेंट विधायक KL ठाकुर, उनके परिवार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया गया। आखिरकार मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि इससे हासिल क्या होगा, और इससे हंसी की बात और हास्यास्पद स्थिति तो एक तरफ यह बन रही है कि कार्यवाही करने के साथ साथ में दूसरी तरफ उनको फोन कर रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपके मामले को ठीक कर देते हैं, और फोन भी कुछ जगह मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं, कुछ जगह मुख्यमंत्री के करीब ये लोग कर रहे हैं। इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि हमने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रतिशोध की राजनीति और दुर्भावना की राजनीति नहीं करेंगे, हमने 5 साल नहीं की। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी के खिलाफ इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया। चुने वो प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार के मामले दर्ज करते रहना, ये मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज शायद कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला है इलेक्शन कमीशन को, और जिन्होंने इस बात को लेकर के अपने तथ्य देने की कोशिश की है कि जो 1500 रुपए की जो उन्हें हर महिला को देने की जो गारंटी थी उनकी, उसकी जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, उस पर रोक ना लगाई जाए, उसका जवाब दायर करने के लिए बोला गया। शायद वो जवाब उन्हें दायर किया, मुझे एग्जैक्ट जानकारी अभी तक नहीं हासिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मालूम पड़ा कि इस प्रकार की परिस्थिति है। देखिए सीधी सी बात है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, इस प्रकार के प्रलोभन देख करके लोगों को गाड़ियों में डाल करके, महिलाओं को विशेष तौर से इस तरह से उनको फॉर्म भर करके उनको प्रभावित करना, ये आचार संहिता के दायरे में आता है, और ये उल्लंघन उन्होंने पहले भी किया है। और आज तो मैं इस बात को देख रहा हूं कि लखनपाल जी ने अपनी एक पोस्ट डाली है, और उस पोस्ट पर कांग्रेस के ही विधायक, ये 1500 रुपए के फार्म हमने भी भरवाए थे, ऐसा लिखा हुआ उन्हें लिखा हुआ उसमें। लेकिन वो महिलाएं जो है मेरे क्षेत्र में इस बात के लिए पूछती हैं कि वो पैसे मिलेंगे कब, ये फॉर्म कब भरे थे, ये विधानसभा के चुनाव से पहले भरे थे। इस तरह की हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में जो बनी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो यही कहूंगा कि अब लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से हमको चुनाव में जाना है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों से हिमाचल प्रदेश अब अच्छी तरह से वाकिफ हो गया है। एक बात मैं और भी जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री,
जिस पार्टी का आगाज, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के माध्यम से हुआ था, आज उस पार्टी के बड़े बड़े नेता सबके सब जेल की सलाखों के पीछे। कल केजरीवाल जी को घर से गिरफ्तार किया गया, 9 बार समन देने, ईडी का 9 बार समन जाने के बावजूद भी उन्होंने पेशी में जाना, ईडी के सामने जाना उचित नहीं समझा। यह 10वां समन था। और अब जब हाई कोर्ट ने कहा कि अब जांच तो है, आगे बढ़ाई जा सकती है, और उस दृष्टि से हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कल उनकी गिरफ्तारी हुई। एक बहुत बड़ा जो इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा एक चेहरा जो केजरीवाल, जिसको अपने आप को ईमानदारी का प्रतीक पूरे देश भर में, दुनिया भर में कोई एक ईमानदार आदमी है जो उनका नाम केजरी नाम है, केजरीवाल ऐसा कहा करते थे वो लोग, उस दृष्टि से मैं यही कहूंगा कि अब सारे विषय को लेकर के उसका पटाक्षेप हो गया है। और भ्रष्टाचार जो सैकड़ों करोड़ रुपए का वहां पर दर्ज हुआ है, शराब घोटाला जिसको कहा गया है का मामला जो है, उस मामले के चलते अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे जो है उसमें कानूनी कार्रवाई जो होगी उस कार्रवाई का इंतजार है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष का कार्यकाल एनडीए का पूरा हो रहा है और एक भी नेता पर भारतीय जनता पार्टी की उंगली उठा करके कह नहीं सकता है कि कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। और प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन किसी और नेता पर भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एक तमाशा बन गई है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व तमाशा ही बन गई है। और उस तमाशे का परिणाम ये होगा, जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा, चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, और उसके साथ साथ में जो विधानसभा की सीटें जो खाली हुई हैं, उन सीटों पर भी जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्तारूढ़ होगी, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होगी। देखिए, इस सारी बात का थोड़ा सा इंतजार करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा आप इंतजार करें, इस पर हम जल्दी कोई फैसला ले रहे हैं, और पार्टी का नेतृत्व तो इन सारी बातों को लेकर के जो है गंभीरता से विचार करने के बाद आगे बढ़ा है। चर्चा ये है कि आज शामिल हो रहे हैं। देखिए, बैठक हुई है, चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, समय कौन सा निर्धारित होगा तो निश्चित रूप से उसी दिशा में, क्योंकि जब चुनाव की तारीखें तय हो गई है और मोटे तौर पर उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं पहले दिल्ली अंतिम निर्णय ले ले और उसके बाद फिर आगे फिर हम आपसे बात करें। विधायक दल की बैठक रखी गई है कोई? विधायक दल की बैठक तो हमने लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से तैयारी के लिए रखी है, और विधायक दल की बैठक से आपको चौंकना नहीं चाहिए कि विधायक दल की बैठक क्यों रखी है। विधायक हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके जिम्मे पार्टी के संगठन की ओर से जो काम लगे हैं, दायित्व लगे हैं कि ये करना है, वहाँ का अपने अपने क्षेत्र में भी करना है, क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी काम करना है, उस दृष्टि से कुछ हमारा रोड मैप बना है, उस पर हम बात करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है देशभर की तरह आज भाजपा मुख्यालय का भी घेराव करने वाले हैं। देखिए, एक बात तो मान करके चलिए कि जहाँ उनके नेता ये छवि अपनी बताते थे कि वो ईमानदार हैं, बिल्कुल इस प्रकार के ईमानदार हैं कि वो उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, अब वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं और फ्रस्ट्रेशन है, उनका नेतृत्व तो सारा जेल के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे है, और उस हालात में स्वाभाविक रूप से
रोष आक्रोश जाहिर करेंगे उस पर कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई अर्थ नहीं। अब आम आदमी पार्टी को कोई भी रास्ता नहीं है इस देश के सामने, इन सारी चीज़ों का जो एक्सपोजर हो गया है उसके बाद अपने आप को छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सर कांग्रेस कह रही है भाजपा जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है चुनाव जीतने के लिए। देखिए चुनाव जीतने के लिए सवाल पैदा नहीं होता, ये मामला कितने सालों से 10 बार समन हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री को, लेकिन जांच में उन्हें शामिल होना ही उचित नहीं समझा, और आखिरकार हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट की इंटरवेंशन से सारी कार्यवाही उसमें हुई है। नहीं, बीजेपी के नेता दिल्ली तो जाएंगे ही, और स्वाभाविक रूप से इस तरह की बातों को लेकर के जब बात होती है तो कुछ चर्चा में भाग लेना, बात करना, ये स्वाभाविक रूप से होता रहता है, लेकिन आज कुछ और विषय को लेकर के हम आप लोगों के ध्यान में थोड़ी देर में बात करेंगे। जब कल सुबह उनकी ज्वाइनिंग होगी तो आप उस समय वहाँ हिस्सा होंगे क्या? नहीं, मैं स्टेशन हूँ यहाँ पर, विधायक दल की बैठक हमने शिमला बुलाई है, हम शिमला ही होंगे। और सर बार बार आप दावा कर रहे हैं, भाजपा दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ होगी, मुख्यमंत्री ने भी जनसभा में कहा था कि जयराम ठाकुर को कुर्सी की इतनी भूख क्यों? देखो मैं एक बड़ी साफ बात कह रहा हूँ, कुर्सी की भूख नहीं और कुर्सी की लालच भी नहीं है, और बड़ी साफ बात करो कि आपको कुर्सी बहुत बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए प्रदेश की जनता ने दी थी, लेकिन अब आप नहीं संभाल पा रहे हैं, इसमें हमें मदद होती थी।